हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो साथियों, आज की इस मॉर्निंग न्यूज़ में मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूँ और जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, मतलब तीनों एक ही हैं ये, इन्होंने करी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी थी, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। जिन्होंने भी चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त बोला है तो वो सारे सही हैं। इस पे जो सबसे पहले टॉप 5 कमेंट्स आए हैं, आंसर्स आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कविता लेथर, गणेश सत्री, एस के भारती, मोहित पांचाल, रामा जोशी, प्रताप पवार। तो इन साथियों के सबसे पहले करेक्ट आंसर आए हैं। जिन साथियों ने औरों ने भी आंसर दिया उन सभी को धन्यवाद, और कविता जी का सबसे पहले करेक्ट आंसर आया है। तो आज के लिए जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, मतलब जो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है वो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है, मतलब कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, वैसे नहीं ऊंचाई कितनी है। तो साथियों, अभी आपके लिए एक खबर आ रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खबर यह है कि 4 जून को होगी पटना के गांधी मैदान में, मतलब आंदोलन पर बात होगी, मतलब 4 जून को पटना के गांधीनगर में आंदोलन के बारे में बात होगी। तो साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के अंदर शिक्षक बहाली को लेकर अभी काफ़ी मतलब प्रॉब्लम चली हुई है। जो लीडर्स हैं वो अभी उस पर विचार नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स जो पार्टीज हैं अभी उस पर विचार नहीं कर रहे। हालांकि नीतीश जी ने शिक्षा मंत्री के साथ मिलके और बहाली की बात करी है, लेकिन पीआरटी और टीजीटी लेवल पे जो बहाली होनी है उस पर कोई विचार नहीं किया है। इसके बाद जो बिहार के अभ्यर्थी हैं काफ़ी दुखी हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि सबसे पहले आप जानते हैं कि बिहार के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटा सा एनालाइज आप लोगों को बताऊँगा और आपको अच्छा लगे तो साथियों ज़रूर आप उस पर विचार करें। तो साथियों, सबसे पहले जो बिहार के अंदर काफ़ी शिक्षकों की कमी है, और आप जैसा जानते हैं कि बिहार का शिक्षा लेवल एक अच्छे स्तर पे नहीं है, उसका कारण क्या है, पॉलिटिक्स पार्टी है जो उस पर ध्यान नहीं देती है। इसी की वजह से बिहार के अंदर काफ़ी बेरोजगारी और गरीबी देखी जाती है, क्योंकि युवाओं को, बच्चों को उस लेवल का एजुकेशन नहीं मिल पाता। और जो पॉलिटिक्स पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ अपने कोषों को भरती है, मतलब अपने पास पैसा इकट्ठा करती है, जनता के साथ कुछ भी हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। और हालांकि बहुत दुख होता है ये देख के कि जो बिहार के अंदर काफ़ी युवा हैं लेकिन उन युवाओं को सही डायरेक्शन नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। और इसी का कारण मैं आपको बताता हूँ कि बिहार के अंदर आज भी लाखों लाखों की वैकेंसीज की कमी है। आपको बता देता हूँ, पीआरटी लेवल पे भी लाखों पद खाली हैं लेकिन गवर्नमेंट उस पर विचार नहीं कर रही है। आप देखिए, ये सोचने वाली बात है, जो बेस होता है छोटे बच्चों का, वो बेस ही मजबूत नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट, तो गरीबी कैसे मिट जाएगी। और अगर हम किसी को चुनते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं, किस उम्मीद के साथ चुनते हैं ये आप भली भांति जानते हैं, लेकिन बिहार के अंदर जो गंदा खेल पॉलिटिक्स पार्टीज खेल रही हैं वो बहुत गलत है। हालांकि मैं आपको दोबारा बता देता हूं, 4 जून को पटना के गांधी मैदान में 10 बजे मीटिंग होगी, जो टेट पास अभ्यर्थी हैं वहाँ पर मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँचने का आसार लगाया जा रहा है, उम्मीद लगाई जा रही है, और ये जो साथी हैं वहाँ पर मीटिंग करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन की बात भी करेंगे। हालांकि ये कुछ पॉलिटिक्स पार्टीज हैं उनसे भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी बहुत गलत खेल देखा जा रहा है पॉलिटिक्स पार्टीज का। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर गवर्नमेंट शिक्षा के स्तर को सुधारती है तो गरीबी जैसे, बेरोजगारी जैसे काफ़ी मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट इन पर विचार नहीं कर रही है, तो ये बहुत गंदा खेल गवर्नमेंट खेल रही है पॉलिटिक्स पार्टीज। लेकिन मैं अपने युवा साथियों से भी ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन, देखो सबसे पहले अगर आप कुछ भी करें एक शांतिपूर्ण ढंग से करें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती से आपका भविष्य खराब हो सकता है, और आगे देखते हैं क्या होता है। हालांकि हमारी पूरी टीम एनसीआर से, जितने हम मेरे साथी यूट्यूबर्स हैं आप लोगों के साथ हैं, बिहार के जितने अभ्यर्थी हैं उनके साथ हैं,
और जो भी हमसे पॉसिबल हो पाएगा हम आपके लिए करने के लिए तैयार हैं। तो साथियों बस यही है कि आप लोगों की बहाली जल्द से जल्द हो जाए और जो हमारा बिहार है उसमें भी शिक्षा का स्तर सुधरे। तो साथियों बिहार के जो भी अभ्यर्थी हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।